वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं लवली एनिमल विद सनोबर। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखा करें। गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत है, तो इसलिए जावा को हम दे रहे हैं। मक्खियाँ बहुत आ रही हैं तो इसमें कीड़े बन जा रहे हैं, जो जावाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसे लार्वे भी कहते हैं। तो इस हवाले से हमने पहले भी वीडियो बनाकर डाली थी, तो आप कीड़े आसानी से घर पे बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सब्ज़ी वगैरह जो बचती है उससे भी बन जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जावाओं को कीड़े बनाकर दिए, बहुत शौक से खाती हैं, इनके लिए बहुत अच्छे हैं, फुल प्रोटीन वगैरह है इसमें, जो तोते भी शौक से खाते हैं और ये जावा भी बहुत शौक से खाती हैं। देखिए माशाल्लाह इनके खूब बच्चे निकल रहे हैं, अंडे भी दिए हैं कुछ कुंडियों में, कुछ कुंडियों में बच्चे हैं। ये देखें ये कीड़े हैं जो हम जावाओं को दे रहे हैं, वो इनको बनाना मुश्किल नहीं है। ये जो दाना बचा हुआ है ये देखें, चूजा भी आ गया हमारा। ये जो बचा हुआ दाना है उससे बनते हैं कीड़े। इसको एक जगह रख दें, इसमें इतनी सारी मक्खियाँ, वैसे ही मक्खियाँ इतनी हैं, मक्खियाँ लगती रहेंगी, जितनी मक्खियाँ लगेंगी उतने अच्छे कीड़े बनेंगे। तो ये जामों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग भी ऐसे बनाकर इनको दें, फुल प्रोटीन होता है इसमें कीड़ों में। ये बाज़ार से भी मिलते हैं बने बनाए, लेकिन हम इसको घर में बनाते हैं खुद ही। बाज़ार से ले जाएंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं ये, लेकिन आप घर में बआसानी कचरे से बना सकते हैं। कचरे में बहुत कीड़े हो जाते हैं उसी तरह के, तो हम तो ये दाने वगैरह का कचरा होता है इससे बना लेते हैं। जितने हिलते हुए चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे कीड़े तो जावाओं ने खा लिए। ये देखिए मक्खियाँ चल रही हैं, मक्खियाँ अभी भी आ रही हैं इसके ऊपर। तो जितनी इस पर मक्खियाँ लगेंगी उतने कीड़े पैदा होंगे और वो जावा खाएंगी, उससे उनकी अंडों बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी होती है। ये देख रहे हैं आप लोग, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी मैं आपको किस तरह बनाने हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उन लोगों को, बाकी जो पहले बना चुके हैं उनको पता है किस तरह बनते हैं। कुछ कुंडलियों में अंडे भी हैं, कुछ में छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया है किस तरह हम जावाओं को देते हैं कीड़े बनाकर। आप लोगों का भी अगर सेटअप है तो प्लीज़ उन लोगों को दें बनाकर, क्योंकि जितना ये लोग खाएंगी उतना जो है इनकी अंडों की बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी होगी, बच्चे भी सेहतमंद निकलेंगे। बाद बच्चे मर जाते हैं, बाद अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो यही वजह होती है प्रोटीन नहीं मिल पाता। तो ये फुल प्रोटीन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब लाइक करिएगा।